मैनेजर साहब, आपके ऑफिस में कोई नई गाड़ी आई है क्या शोरूम में? हाँ भाई साहब, भाई आइए आइए। कौन सी गाड़ी लेनी है आपको? हमारा शोरूम पूरा भरा पड़ा है। जो गाड़ी नई मॉडल आती है हमारे ही शोरूम में आती है पहले। हमको तो वैगन आर लेनी थी, मिल जाएगी क्या? अरे भाई साहब, बोल तो रहे हैं कि पूरा शोरूम भरा पड़ा है। कौन सी गाड़ी चाहिए ले जाइए आप। वैगन आर का BMW भी है हमारे पास। कौन सा खेगा? आओ बैठो यहाँ, पहले कुर्सी पे बैठो, आराम से बात करते हैं कि लोगे कौन सी, उसके बाद दिखाते हैं तुमको शोरूम में ले जाके। अब बताओ कितने रेंज तक की चाहिए तुमको? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक की गाड़ी है हमारे शोरूम में। 3 करोड़ वाली दिखाओ फिर, वही ले लेंगे। 3 करोड़ वाली ले लेंगे, सस्ती काय को लेंगे। 10 लाख, 20 लाख वाली, 3 करोड़ वाली लेंगे। दिखाओ कौन सी गाड़ी है। अरे भाई साहब, मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप? लेना है ना 3 करोड़ वाली? लेना हो तभी जाके देखना, नहीं तो उसको देखने का और उसमें बैठ के टेस्ट ड्राइव लेने का 1 लाख रुपया लगता है। चाहे गाड़ी खरीदो चाहे ना खरीदो, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, पहले बता रहे हैं। अरे तो खरीदनी है मैनेजर साहब, तभी तो कह रहे हैं देखने के लिए। काहे बकैती कर रहे हो? लेना है तो तभी देखना, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। आप गरीब गरीब समझे हो कि नहीं ले पाएंगे 3 करोड़ की गाड़ी? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस पूछ रहे थे, कंफर्म कर रहे थे कि दिखाएं कि ना दिखाएं। असल में बहुत नीचे जाना पड़ता है ना, लिफ्ट उफ्ट से लगा के नीचे जाना पड़ता है। शोरूम में अंदर तक है ना हमारा शोरूम, बहुत गहराई में है तो लिफ्ट से जाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए भाई सब कंफर्म कर रहे थे कि लेना है ना। हाँ हाँ लेना है, कल लिख के देना पड़ेगा इस पेपर पे कि हम गाड़ी लेने आए हैं। बहुत बकरोल हो यार। अरे भाई साहब नाराज ना होइए, कोई बात नहीं, हम बुलाते हैं अपने चेले को, वो ले जाके दिखा देगा आपको गाड़ी। अरे सुनील भाई, देख ग्राहक आए, इनको गाड़ी दिखा दे नीचे ले जाके शोरूम में। सुनील, अरे कहाँ रह गया भाई? ग्राहक आए, इनको गाड़ी दिखानी है। अरे भाई साहब, आज आ जाएंगे आपके नौकर, कब दिखाएंगे गाड़ी? हमको बहुत लेट हो रहा है, हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा यहाँ ज्यादा देर तक रहेंगे तो, समझे? अरे भाई साहब बुला तो रहे हैं, सुन नहीं रहा होगा, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा जोर से बुलाते हैं। अबे ओ सुनील मक्खनचू, किधर रह गया बे? इधर देख, ग्राहक आए हैं, गाड़ी दिखानी है इनको। अरे ये मालिक आए हुए हैं, इनको नीचे शोरूम में लेकर जाओ, 3 करोड़ वाली गाड़ी दिखा दो, टेस्ट ड्राइव करा के और पर्चा पे सब नाम वाम लिख के और पेमेंट लेके गाड़ी इनको दे दो और फिर आओ ऊपर। इतना जोर से हंस कह रहा है जो कह रहा है वो करेगा ना, यहां से खड़े होकर दर्द किया रहा है। अरे मैनेजर साहब, ये कोई 3 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदने आए हैं, ये हमने मोहल्ले के हैं, बहुत बड़े पाकिट मार हैं। देखना बच के रहना, तुम भी पाकिट मार लेंगे। बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं और 2 रुपये 4 रुपये पाकिट मारते हैं, समझे? ये 3 करोड़ की गाड़ी का 3 रुपये की अगरबत्ती भी नहीं खरीद पाते मच्छर वाली। अबे का बकरा है बे, क्यों हमारे खिलाफ भड़का रहा है मैनेजर साहब को? हम गाड़ी लेने आए, पाकिट मारने नहीं आए। हमारे पास पैसा कोनो कमी है, आगे हम पाकिट मारेंगे 2 रुपया 4 रुपया, फेंक पाक मत मचाओ। मैनेजर साहब कसम खुदा की, बहुत बड़ा पाकिट मार है ये। ऐसा पाकिट मारेगा ना पता भी ना चलेगा कि जेब में से पर्स कब गायब हो गया। ऐसा है, इसको सिक्योरिटी बुला के बाहर पिकवाओ, नहीं तो गाड़ियाँ भी चुरा लेगा, जेब में भर के गाड़ी लेके भाग जाएगा। इतना बड़ा कलाकार है ये। हमको शुरू से डाउट हो रहा था कि कोई टपोरी है। इसकी शक्ल देखो, गले में चैन पहन रखा है, शक्ल देखो, बाल देखो, पूरा काला हो रहा है, कालिया। सही पहचाने थे, फिर काहे बहकावे में आ गए? 3 करोड़ रुपये की बात सुन के मन में लड्डू फूट रहा होगा आपके तो। आप तो है ही लालची आदमी, अजीब बदतमीज आदमी हो मक्खनचू। अब हमको अपने बास को लालची आदमी बोलने लगे यार। एक बात बता का दिए कि ये पाकिट मार है, अपने आप को तुरम खान समझ लिए होगा, है? अपने बास को ऐसे बोलोगे निकाल देंगे नौकरी से, बता रहे हैं। अरे तो हाँ निकाल दो, नहीं तो ये भी हमारे साथ पहले पाकिटे मारते थे यहाँ नौकरी करने से पहले, समझे? अगर नहीं निकाले ना तो पूरा शोरूम गायब कर देगा, ये हमसे बड़ा कलाकार है, हम इसी से सीखे थे पाकिट मारना। ये लो अपना पिछले महीने का पगार और निकल जाओ यहाँ से, समझे? दोबारा नजर मत आना हमारे शोरूम में। मजा आ गया, बहुत दूसरे के चक्कर में पड़ते हो, पोल खोलने के लिए पाकिट मारे हैं, कालियां हैं, हैं? अब अपनी नौकरी गई तो अब हमारे साथ चल के पाकिट मारोगे बस में, समझे कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि दूसरे का भेद नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो अपना भी भेद खुल जाता है। अब चलो क्या करोगे, साथ पाकिट मारेंगे और अपना खर्चा वर्चा चलाएंगे। और टकलू सर बहुत अच्छा गेम को सर नौकरी से निकाल दिए, नहीं तो ये हमें उस्ताद है पाकिट मारे में। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी, वो भी कलुआ आके खा गया। चलो अब जल्दी से निकलो, कलुआ तो गया, तुम भी निकलो जल्दी से। और हाँ, आते जाते CCTV में भी नजर मत आ जाना इस रोड पे, नहीं तो फिकवा देंगे जेल में। जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। अच्छा ये लोग तो गए, हम बच गए भाई, नहीं तो लूट जाते, ये तो दोनों चोर थे।
अच्छा एक काम करो भाई लोग, आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत वीडियो डाल चुके लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो जो जो लाइक किया है सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, और जो नहीं करेगा ना, नहीं करेगा तो हम उसको अपना दोस्त बना लेंगे।